ये वो सब ने निशान मैग्नाइट अच्छी दी हुई है, और ये आपका यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है 360 डिग्री कैमरा के लिए। ये अपना लो बीम और हाई बीम इसी में है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प में ये शो के लिए दी हुई है। और ये अपना डीआरएल लाइट है, ये अपनी डीआरएल लाइट्स हैं। और ये अपने फोग लैंप, लाइट ऑन कर देना भाई ठीक है। ये देख लो अपने फोग लैंप्स, ये हाई एवर बीम मारना। हाँ बस सेंसर्स नहीं है ना इसमें, सामने सेंसर्स नहीं है इसमें। और ये अपनी साइड प्रोफाइल देख लो, 195/60 R16 विद अलॉय व्हील्स। सीएट के इसमें टायर्स आए हैं कंपनी की तरफ से, सीएट के ही आते हैं। ये अपना आउटसाइड का लगा हुआ है कि आउटसाइड सही लगा हुआ है, इनसाइड आउट। और दोस्तों ये अपना साइड मिरर में ही कैमरा है, नीचे भी कैमरा है, ये 360 डिग्री एंगल कैमरे के लिए। ये आपको रिक्वेस्ट बटन दिया हुआ है यहाँ पे भी, ये देखो। ये साइड लुक देख लो आप, ये बैक से लुक देख लो आप, बैक से अपने ये एलईडी, सारी एलईडी लाइट है, सारी जितनी भी हैं। और पीछे सेंसर्स दिए हुए हैं आपको, ये सेंसर्स दिए हुए हैं, ये कैमरा दिया हुआ है। ये मैग्नेट का लोगो है, यहाँ पे टर्बो की बैजिंग है, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको हर एक वेरिएंट में डिफोगर और मिलेगा ना, डिफोगर और वाइपर मिलेगा। और ये टॉप मॉडल में भी आपको ये वाला एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना अवेलेबल इसमें नहीं है अभी टॉप वेरिएंट्स में भी, आप देख सकते हैं। बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ, 336 लीटर का बूट स्पेस है। आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी, और अपना ये खोलने बंद करने का, ये आपका कैमरा हो गया, और ये नंबर प्लेट्स पे लाइट विजिबल करने के लिए हो गई ना बंद। ये अपना फ्यूल टैंक के लिए हो गया, और राइट में है इसका फ्यूल टैंक। और अब स्टार्ट करते हैं अंदर से, ये अपना रिक्वेस्ट सेंसर हो गया, ये देखिए। ये अपने डोर के कंट्रोल्स, ये लॉक करने के लिए, ये एंटी पिंच है अप डाउन, और ये है अपना मिरर ओपन ऑन ऑफ करने के लिए। ये अपना यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी बोतल। ये स्पीकर्स हो गए, 4 स्पीकर्स इसमें मिलते हैं हमें। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये अपना हेडलाइट लेवलर है, ये अपना क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अपने लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल्स, और लेफ्ट साइड में है अपने ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अपना लेफ्ट साइड में है वाइपर के कंट्रोल्स। इसके बाद एक बार मैं आपको, इसकी चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी की है, कीलेस एंट्री वाली। और इसमें सारा चीज़ें डिजिटल है, ये RPM की बैजिंग है 7 तक, और इसके नीचे स्पीड है, स्पीड का है। और ये कंट्रोल होता है, ये MID कंट्रोल होती है यहाँ से। ये आपको फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, इसमें शो नहीं कर रहा है यार कितनी है, क्या चीज़
एवरेज चलनी रही ना बढ़िया। अच्छा, ये आप देखिए, इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें दिखाने लग गया, ट्रिप ए कितनी देर में हुई है कितनी देर में नहीं है, ये ओवरऑल चीज़ें, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिमिंग कंट्रोल, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। ये अपना सारा मल्टीमीडिया के लिए हो गया, ब्लूटूथ नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीज़ें इसमें, वायरलेस, हाँ वायरलेस चीज़ें है सारी। ये वायरलेस फ़ोन चार्जर है, नीचे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए मिलेगा, और ये भी 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है विद रिवर्स गियर, ये ओपन होती है नहीं होती, ये फिक्स्ड है, ये आपकी ओपन नहीं होती। ये इसमें परफ्यूम रखा हुआ है, लॉक और अनलॉक के बटन्स यहाँ पे हैं, और ये हजार्ड्स के हैं, ये अपना शीशे के हैं, ये एसी के कंट्रोल्स हैं, ये फैन के लिए है, और ये अपना टेम्परेचर सेट करने के लिए है, और ये फेस पे पैरों पे करने के लिए है, और अपना एसी यहाँ से ऑफ होता है ऑन ऑफ होता है, ये बाहर की हवा के लिए है, ये बाहर की हवा के लिए है, ये अपने एसी वेंट्स हैं, प्लास्टिक क्वालिटी ऑल ओवर ठीक है, पहले से बेहतर हुई है। ये अपना IRVM नाइट के लिए, ये अपने लाइट्स कंट्रोल हो गए, येलो लाइट्स हैं, ये अपना माइक है, माइक बात करने के लिए ब्लूटूथ से, और अब पीछे चलते हैं, पर पीछे बैठ के देख लेते हैं। ये 5-10 का बंदा बैठा है, देख लीजिए आप, ये सीटिंग मेरे हाइट्स के अकॉर्डिंग सेट है, 5-8 मेरी हाइट है, आप देख सकते हैं हेडरूम कितना मिल रहा है, हेडरूम अभी इतना मिल रहा है, हेडरूम काफ़ी हेडरूम है। आपको आर्मरेस्ट भी मिलती है यहाँ पे, विद आर्मरेस्ट मिलती है आपको विद मोबाइल होल्डर, और ये कप होल्डर भी इसमें है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं, आप नीचे सेट भी कर सकते हैं इनको, नीचे आपका एक और चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है 12 वोल्ट का, यहाँ पे भी आपको अप डाउन के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये आपका टिपिकल पहले ज़माने में आता था वैसा ही आपको लोकल अनलॉक के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पे भी 1 लीटर की बोतल फिट कर सकते हैं आराम से, दोनों आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है गाड़ी का। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये आपके, ये आपका 1 लीटर इंजन है, इसकी BHP और पावर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 99 BHP पावर, और ये आपको यहाँ पे टोविंग के लिए दिया हुआ है, आगे से और पीछे भी आपके ये टोविंग के लिए दिया हुआ है, ये आपकी स्कफ प्लेट दी, ये जो हम अभी हम चला रहे हैं 1 लीटर इंजन, जिसमें 160 Nm टॉर्क है, 99 BHP की पावर है, पावर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टॉर्क इंजन है, पिकअप वगैरह में बढ़िया चलता है, ड्राइवेबिलिटी में अच्छा है, हाई बेस पे भी अच्छा है, नहीं, 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 सामने है, बिल्कुल इससे आगे वाला कट जो है ना वहाँ से ही होता है। सीट बेल्ट के लिए कर रहा है क्या? हाँ भाई, वन बीप कर रहा है, डबल बीप कर रहा है, गाड़ी तो ले लिया। कलर सारी चीज़ें, फ्यूल इकोनॉमी, निशान, ये फ्यूल इकोनॉमी, गैसोलीन, ये आपको कलर्स मिल जाएंगे,